जय हिंद साथियों। साथियों, आज हमारे आवास पर तहसील बिलसारोड के ग्राम सभा बासपा बोहरवा में आज हमारे आवास पर श्री अमजद खान फिरोज, जो कि नित्य वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी के पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज हमारे आवास पर उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, जो कि सिद्धार्थ नगर वासी की धरती से सरजमी से आए हुए थे रसड़ा, और वहाँ से उन्होंने कहा कि हमारे कहने पे कि हम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तमाम लोगों के साथ, जैसे राजेंद्र राजभर जी हैं, रामपाल राजभर जी हैं, जितेंद्र राजभर जी हैं, वीरेंद्र राजभर जी हैं, राम उजियागर चौरसिया जी हैं, और तमाम लोग हैं, अपना उन्होंने कीमती वक्त दिया। उनका सभी लोगों का अपने ग्राम सभा में, अपने गांव में, अपने आवास पर मैं सबसे पहले बिथरा की सरजमी पर आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, साथ ही अमजद खान फिरोज साहब से कि आप लोग अपना कीमती वक्त दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि शिक्षा एक समान मुहिम जो हम लोग पूरे देश में राधे श्याम जी के नेतृत्व में चलाते हैं, आज अमजद भाई उसका समर्थन भी किए हैं कि शिक्षा एक समान होना चाहिए, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी इसका हमेशा सदन में आवाज़ उठाते हैं, विधानसभा में उठाते हैं कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। हम लोग पूरे देश में राधे श्याम जी के नेतृत्व में शिक्षा एक समान की मुहिम चलते हैं। मैं चाहूँगा कि अमजद भाई अपने कुछ शिक्षा पर बातें रखें, कुछ अपने बारे में बचे दें। मुझे आज बलिया आना था पार्टी के कार से, और मैं जब बलिया पहुँचा तो अरशद भाई का फ़ोन हमें आया कि आप कहाँ हैं अध्यक्ष जी। तो मैंने कहा मैं आपके ज़िले में ही हूँ, और अरशद भाई ने मुझे अपने घर पे दावत पे बुलाया, और मैं अरशद भाई की ज़ुबान काट नहीं पाया क्योंकि समय बहुत कम था मेरे पास, बहुत सारे काम थे। अभी देवरिया भी मुझे जाना है, देवरिया से गोरखपुर में भी प्रोग्राम मेरा लगा हुआ है, और बहुत मैं बिजी था, लेकिन फिर भी मैंने अपना कीमती समय निकाल के अरशद भाई के लिए इनके घर आए, और बहुत अच्छा लगा इनके गांव पे आने के बाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनका एक महिमा चला रहे हैं ये, शिक्षा को लेकर जागरूक कर रहे हैं लोगों को, आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, इनका कई नारा ऐसे है तो कंटिन्यू इनका चलता रहा है, और हम सहयोग भी कर रहे हैं अरशद भाई का, क्योंकि अरशद भाई शिक्षा को लेकर और राधे श्याम जी, ये लोग बहुत एक्टिव हैं और ये सब बातें रख रहे हैं लोगों के बीच में, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे नेताजी भी एक शिक्षा एक समान शिक्षा की बात करते हैं, इनका भी जो मांग है, डिमांड है, वो हमारे नेताजी के में विचारधारा से बिल्कुल मिल जोल खा रहा है। इसलिए अरशद भाई के यहाँ आना मुझे बहुत ज़रूरी भी था, और इनको हर्षोल्लास इनका बढ़ाना भी ज़रूरी था। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मैं फिर अगर मुझे समय मिला तो फिर जिस टाइम जब भी मेरा बलिया में आगमन होगा, कोशिश करूँगा कि यहाँ बेलथरा की धरती पर मेरा पैर ज़रूर पड़े। हो गया तो हो गया, फोटो खड़े हैं, खड़े गया।